बात करें अयोध्या में दिव्य दिवाली और सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ वियतनाम मिस्टर फॉम सान चाओ, हाई कमिश्नर ऑफ केन्या मिस्टर विली वेट, हाई कमिश्नर डॉक्टर रोजर गोपाल ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, हमारे महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा चौहान जी, बाबा गोरखनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतचरण, यहाँ पर उपस्थित जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, मणिनाथ दास सावनी के श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, हिंदू धाम अयोध्या तवशिष्ट आश्रम अयोध्या के श्री महंत पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, महंत राजकुमार दास जी, महंत अवधेश दास जी, सभी पूज्य संत चरण और अयोध्या के से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को देश और दुनिया में जहां कहीं भी आज का यह पावन आयोजन लोग देख पा रहे हों, सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं पंचम दीपोत्सव महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और आप सब का मैं स्वागत भी करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है। 2017 में प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन स्थली में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के सबसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, पूज्य संतों का सहयोग था, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता थी और पूरी सरकार लगी थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था, यहाँ की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं लगी थी और देखते ही देखते यह आयोजन अपने आप में दुनिया का एक विशिष्ट आयोजन बन गया। वास्तव में प्रकाश पर्व दीपावली, जिसे पूरा देश दीपावली के रूप में मनाता है, ये अयोध्या की देन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरा भरतखंड इस आयोजन के साथ जुड़ता है। लेकिन 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे
और आज उसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, तीन देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संत जन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है और जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी अपने आप में एक उत्सव, और ये केवल यहीं पर नहीं, आज लखनऊ में भी, आगरा में भी, काशी में भी, प्रयाग में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी, नैमिषारण्य में भी, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है, कि आपकी भावनाएं सफल हुई, प्रभु तक आपकी आवाज पहुंची और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था, सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे, वे आज भी इस कार्यक्रम में हैं। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, सभी पूज्य संत जन यहां पर जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे। आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बरबर लाठी चार्ज हो रहा था, तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से